सबसे पहले तो आप सभी के चैनल के जरिए हमके जे भी देख रहा बा, हम सब हमके हमारे रत्नाकर भैया को, देवेंद्र जी को, स्मृति जी को, अनारा जी को, अरसिया जी को, हमनी के तरफ से आप सबके पैर छू के प्रणाम बा सबसे पहले। और आप सब जितने हमारे भाई यहाँ पे आए हैं, आप सभी का स्वागत है। और आप सब के भी हम पैर छू के प्रणाम करते हैं, आप सब भी आशीर्वाद दीजिए। रही बात जो आपने पूछा कि आप मीडिया से दूर क्यों रहते हैं, मुझे बक बक करने नहीं आते। मेरा थॉट यही है कि मैं शांत रहूं, क्या करिएगा, ये भी एक नसीब है, ये भी एक सौभाग्य है इसको बोलेंगे। घर में चुप बैठा रहता हूं फिर भी कॉन्ट्रोवर्सी में रहता हूं, मौन सिंह ने ये किया, मौन सिंह ने वो करवा दिया, अरे यार शांत बैठना भी गुनाह है क्या। लेकिन फिर भी हमने किसी को जवाब नहीं दिया और ना ही कभी दूंगा। मैं ये सोचता हूं कि हम लोग दिल से काम करें, जिसको हम भगवान बोलते हैं, जिसके आशीर्वाद से हम यहाँ खड़े हैं, जब वही जवाब देते हैं तो हमको बोलने की क्या जरूरत है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नहीं भैया, शांत रहिए, काम करिए, ऑडियंस का आशीर्वाद लीजिए, चाहे हम हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, सब कोई दिल से मेहनत करे, सब लोग आगे बढ़े। चंदन, मैंने आपका भी इंटरव्यू देखा आज, शायद देसी भारत में ही, बहुत अच्छा लगा। कलाकार को कलाकारी करना चाहिए, हम लोग कलाकारी करें तो ही बेटर है, क्यों जाती आता लाना यार, क्या बात है। ये बहुत मतलब ये सब करके करवा के ना हम लोग अपने इंडस्ट्री को बहुत पीछे लेके जा रहे हैं, बहुत सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, क्यों क्यों काहे के लिए, क्या मिलने वाला है उससे हमको, सिर्फ क्या राजपूत सुनते हैं, धर्म दुबे यहाँ पे खड़े हैं आप नहीं सुनते हैं मुझे, फलाना यादव जी खड़े हैं ये नहीं सुनते हैं मुझे, फलाना शेख जी हैं ये नहीं सुनते हैं मुझे, कोई भी कास्ट हो, जे भी हमारे पीछे अगर 5 रुपया खर्चा करता है वो सब हमारे लिए भगवान है, तो हमारे लिए सब सब बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं। और क्या बोली हम, बस इतने बोला कि मैंने देवेंद्र तिवारी से सेट पे पूछते रह गया, सर स्टोरी बताइए ना, क्या है क्या है क्या है, तो ये बोलते चलिए ना, आप करते रहिए ना, करते रहिए ना, मजा आ रहा है। लेकिन आज ट्रेलर रिलीज हुआ और ये मेरा सौभाग्य है कि इस मेरा भारत महान फिल्म का ट्रेलर जो है वो वर्ल्ड वाइड कंपनी से रिलीज हुआ, क्योंकि भैया के अंदर एक खूबी है, ये जो सिलेक्ट कर देते हैं ना, तो चाहे गाना हो, फिल्म हो या ट्रेलर हो, तो मैं 100 में 90 पैसा आशा में रहता हूं कि ये चीज हमारे ऑडियंस को पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सिलेक्ट बहुत बढ़िया करते हैं और ये हमारे बड़े भैया हैं। और पूछा कुछ पूछे हाँ बिल्कुल, इस महामंच पर इस फिल्म से जुड़े एक बहुत ही अहम किरदार हैं, महानायक कहते हैं उन्हें, रवि किशन जी नहीं हैं, तो आप किस तरीके से उन्हें मिस कर रहे हैं या क्या उनका कॉल आया कि भैया ट्रेलर बहुत जानदार शानदार, भैया है क्यों नहीं, भैया तो है ही है, ये मेरा सौभाग्य है। हर लैंग्वेज में राज करने वाले हमारे बड़े भाई रवि किशन जी इस फिल्म में काम किए हैं, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि बड़े भाई के सामने हम लोग जब खड़ा होते हैं ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बात आज भइल है कि ना भइल है, कब भइल रहे, कल हुई, आज ना भइल है, आज हम लोग ट्रेलर देखे हैं, तो भैया तो मेरा हर जगह है, महादेव है, हर हर महादेव, जय श्री राम। इस फिल्म में आपको अलग अलग शेड में देख रहे हैं, बहुत सारे शेड दिख रहे हैं, चंद्रशेखर जी का भी शेड इसमें दिखाई दे रहा है मुझे, आप चंद्रशेखर आजाद के किरदार में दिख रहे हैं, आप आर्मी ऑफिसर के किरदार में दिख रहे हैं, आप क्रिकेटर बने दिख रहे हैं, आप संगीत टीचर बने हैं, तो कितना ज्यादा मुश्किल हुआ या आसान था इतने रूप बदलना और कितना एंजॉय किया है आपने? देखिए क्या है ना, कलाकार जैसे हम लोग, देखा हम गाँव से आते हैं भाई, हम पढ़ा लिखा ना है, आज भी हम लोग गाँव में जाते हैं तो केहू के चाचा अगर चाहे बाप केहू के अपना बेटा पर किसी आए, अरे भाई बड़ा हीरो, तो हीरो क्या होता है, हीरो वो एक रिंच है, वो 2 नंबर में जाए 3 नंबर में जाए 6 नंबर में जाए 10 में जाए 100 में जाए। अब उसको ले जाने वाले जो है ना वो होते हैं हमारे डायरेक्टर, ये इनकी खूबी है जो हमसे फिल्म में इतना मतलब चेंज कर करके काम करवाए, जैसे ये रूप है मेरा, एक जो हमारे रवि भैया बोलते हैं कि कृष्ण अर्जुन जी जो बांसुरी बजाता,
तो ये सब डायरेक्टर का लीला है, डायरेक्टर का खेला है कि अपने एक्टर को कितना दिखा सकता है। हम लोग तो करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करना है आजीवन।